जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब से फाइनेंशियल ईयर ये शुरू हुआ है 2024-25 से स्टॉक में एक शानदार रैली आपको देखने को मिल रहा है। 1 अप्रैल से ही जब से ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप एक एक दिनों में स्टॉक 6-6 साढ़े 6-6% की तेजी दिखा रहा है और लगातार ये 1 अप्रैल से ये चल रहा है। आखिर ऐसा कौन सा कमाल हो गया इस स्टॉक में, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वैसे तो समय समय पर इस स्टॉक के प्रति इस वीडियो में इस चैनल पर बात होती रहती है, मैं वीडियो बनाते रहता हूँ इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का काम है, जो कंपनी वर्क करती है, प्लस कंपनी का जो फंडामेंटल टेक्निकल, प्लस कंपनी का जिस हिसाब से मैनेजमेंट काम कर रहा है, ये स्टॉक आने वाले समय में एक मल्टीबैगर स्टॉक बनने जा रहा है। तो जो स्टॉक मल्टीबैगर बनने जा रहा है और एक अच्छे पोर्टफोलियो में स्टॉक होना बनता है, इसलिए समय समय पर हमारे चैनल पर ये इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड के बारे में बात होती रहती है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के काम से। देखिए, आपका पहले से इन्वेस्टमेंट है या नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सबके लिए जानकारी होना जरूरी है। पहले काम से ही शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो कंपनी है, देखिए, स्टॉक ब्रोकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है। स्टॉक ब्रोकिंग मतलब आपको, जैसे आपने एंजल वन का नाम सुना होगा, आपने अप स्टॉक, जीरोधा का नाम सुना होगा, उस तरीके की कंपनी सुविधा प्रोवाइड कराती है, डीमैट अकाउंट भी ओपन कराती है। तो आप चाहें तो इनके साथ जुड़ सकते हैं, हालांकि नहीं जुड़ना चाहते कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ काम बताया, काम कंपनी का ये है। और ये जो काम है ना, जबरदस्त कमाई होती है इस काम में। स्टॉक ब्रोकिंग वाली जितनी भी कंपनी है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो शेयर मार्केट में, इनको तो इनका ब्रोकरेज मिल रहा है, इनको तो अपना कमाई बन रहा है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो इसलिए ये प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। और कंपनी प्रॉफिटेबल है भी, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये जो काम है कंपनी का, काम काफी इंपॉर्टेंट है और काम के बेसिस पे शेयर प्राइस में लंबी अवधि में तेजी बने रहेंगे, चांसेस रहेंगे। तो ये अभी तक हम लोगों ने कंपनी का काम समझा, आप चलिए अब समझते हैं कंपनी का फंडामेंटल। तो मार्केट कैप तकरीबन 206 करोड़ के आसपास है, और मैं बार बार कहता हूँ, यदि कोई कंपनी पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 100 करोड़ प्लस है उस कंपनी का वैल्यूएशन, तो वो अच्छी कंपनी मानी जाती है पेनी स्टॉक में। यहाँ तो 200 करोड़ के आसपास है और स्टॉक का पीई भी बहुत कम है अभी, हालांकि मतलब पीई कम हो तभी अच्छा माना जाए, तो ये बहुत सस्ता कह सकते हैं वैल्यूएशन वाइज स्टॉक अभी सस्ता मिल रहा है आपको। हालांकि हम चार्ट पर लेवल समझेंगे कहाँ पे क्या करना है। शेयर प्राइस देखिए तो बुक वैल्यू के आसपास ही है शेयर प्राइस, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे कमाल का है, तकरीबन 4.5% के आसपास है। कोई ऐसा मुझको पेनी स्टॉक आप बताइए जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना शानदार है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी 4.5% का रिटर्न साल भर निकाल कर देने का दमखम रखते हैं, एक छोटा सा स्टॉक। कोई ऐसा आपके नजर में हो तो मुझे भी जरूर बताएगा, मैं उसको एनालिसिस करूंगा। सीधे चलते हैं एक चल के चार्ट पर, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं स्टॉक में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक का ये जो सपोर्ट था 2 रुपए के लेवल, यहीं से प्राइस कर सकते हैं सपोर्ट लेके अब ऊपर की तरफ उठते हुए दिख रहा है। और इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 2.5 रुपए का लेवल। जिस हिसाब से स्टॉक में पिछले 3 दिनों से अपर सर्किट लग रहा है, आपको लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए रुकावट का काम करेगा? मुझे नहीं लगता, ये प्राइस इजिली इसको निकाल सकता है। हालांकि इजिली निकालेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है जब कोई प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आता है, तो रेजिस्टेंस के पास आकर उसको समय बिताना चाहिए, और थोड़ा दिन समय बिता के फिर प्राइस जब ऊपर निकलता है तो एक लंबा मूव देता है। तो यदि प्राइस यहाँ तक आने के बाद, 2.5 रुपये तक आने के बाद समय बिताता है और यहाँ पर समय बिता के प्राइस ऊपर निकलेगा, तब इजिली आपको 4 रुपये तक जाते हुए इसका प्राइस दिखेगा। हालांकि आपको अगर ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इजीली इसको 4 रुपये तक पहुंच जाएगा, तो ऐसा कहना थोड़ा गलत होगा। डायरेक्ट 4 रुपये तक नहीं आएगा, ये बीच बीच में रुकते रुकते आएगा। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया 2.5 रुपये के आसपास, और 2.5 रुपये के लेवल को मान भी लेके निकाल देगा, फिर 3 रुपये के 3 रुपये पर भी देखेंगे यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, तो फिर 3 रुपये के लेवल को ब्रेक करना मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि ये जो 2.5 रुपये के लेवल तक आए तो यहाँ पर समय बिताए, और समय बिता के जब ऊपर निकलेगा तो फिर 3 रुपये के लेवल के आसपास ज़्यादा नहीं रुकेगा, एक आध दिन होल्ड करने के बाद इजीली निकल जाएगा और 4 रुपये तक शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस आपको जाते हुए दिखेगा। और इस बार सिर्फ 4 रुपये तक नहीं जाएगा, 4 रुपये के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि एक नया हाई बनेगा। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ये प्राइस उठा, यहाँ तक आया, यहाँ पे एक नया हाई बना, फिर यहाँ से आया, यहाँ पर एक नया हाई बना, यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ पे आएगा, एक नया हाई बनेगा। ये टेक्निकल एनालिसिस का कमाल होता है, जादू होता है, पावर होता है, जो आप समझ लीजिए। मतलब ये कि इस स्टॉक में एक नया हाई फिर से बनने जा रहा है, बहुत जल्द इसमें एक नया हाई बनेगा, और ये नया हाई सीजली आपको कम से कम कह सकते हैं कि 8 से 10 रुपये का वो नया हाई इस स्टॉक में आपको बनेगा। तो इसमें जरूरी ये है कि आपका यदि इन्वेस्टमेंट है तो आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, पैसा बनेगा। और कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो वो क्या करेगा, जब प्राइस 2.5 रुपये के ऊपर निकले, मतलब समय बिताने के बाद यहाँ पर ऊपर निकले, तो यहाँ पर थोड़ा सा नया व्यक्ति एंट्री कर सकते हैं 2.5 रुपये के ऊपर। कंफर्मेशन के साथ एंट्री कीजिएगा तो आपको ज़्यादा तनाव नहीं होगा, और फिर आप 4 रुपये फिर 10 रुपये तक का टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। इस स्टॉक में जब आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके ऊपर कर्जा बहुत ही नाम मात्र का है, सिर्फ 30 करोड़ के आसपास कर्जा है, जबकि इसका जो रिजर्व पैसा है फ्री कैश फ्लो, वो देखिए समय के साथ लगातार बढ़ते जा रहा है फ्री कैश फ्लो।
कैश फ्लो बढ़ना अच्छी बात है, बढ़ रहा है, 127 करोड़ के आसपास हो गया बढ़ के, और 30 करोड़ का कर्जा जब चाहे कंपनी चुका सकती है। कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर आ रहे हैं वो भी काफी कमाल का आ रहे हैं। क्वार्टर्स रिजल्ट में देखिए कंपनी का जो सेल्स है पिछले दिसंबर क्वार्टर में जबरदस्त बढ़ा है, और लगातार ये सेल्स आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से तो बढ़ते ही जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, यानी कि जैसे मैंने बताया कंपनी का काम तो बढ़िया है, प्लस कंपनी का जो फंडामेंटल है और फंडामेंटल के साथ साथ मैंने चार्ट पर भी बताया, टेक्निकल एनालिसिस भी बढ़िया लग रहा है देखने से, तो ओवरऑल ऑल चीज बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सही दिशा में काम कर रहा है, जिसका अच्छा परिणाम यह है कि स्टॉक में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और जब सब चीज बेहतर होगा तो स्टॉक का शेयर प्राइस में तेजी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी लिमिटेड के बारे में जानकारी मैंने दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।